हेलो फ्रेंड्स क्लास एट टुडे आई एम टेलिंग यू द जोग्राफ़ी द वीडियो सेकंड ऑफ द चैप्टर तो अक्सर हम देखते हैं जैसा हमने देखा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज हैं जो कन्वेंशनल है वो नॉन रिन्यूएबल हैं पॉल्यूशंस करते हैं वो और रिप्लेनिशेबल नहीं है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं यूज करने पर और महंगे भी होते हैं दे आर कॉस्टली तो अगर हम उन्हें ना करें तो में, एक साइन ऑफ डेंजर हो सकता है एक हम जो ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं या अदर चीजों पर जो लाइफ हमारी डिपेंड है पॉसिबल नहीं हो पाएगी नॉन कन्वेंशनल की अगर हम बात करें जिसको रिन्यूएबल बोलते हैं जो हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं जो रिसोर्सेस जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं और रिप्लेनिसेबल है वो और नॉन एग्जॉस्टेबल है वो जबकि कन्वेंशनल क्या होते हैं एग्जॉस्टेबल होते हैं नष्ट हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फासिल फ्यूल की अगर हम बात करें लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज जो फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें जैसे लीडिंग अपनी शॉटेज कमी हो जाती है जीवाश्म जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है इट इज एस्टिमेट ये एक आंकड़ा लगाया जाता है इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन यदि जो प्रेजेंट रेट है कंजम्पशन का कंटिन्यू करते रहे अगर हम कंटिन्यूली हम इसको यूज करें तो हम देखेंगे द रिजर्वस हैं जो इसके फॉसिल फ्यूल के वो क्या हो जाएंगे एग्जॉस्ट हो जाएंगे जल्दी मोर एवर दर यूज ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं कन्वेंसनल सोर्सेज जो हैं कोल एंड पेट्रोलियम डीआर फोर इसलिए हमें यह जरूरत है कि हम नॉन कन्वे सोर्स जो कि पॉल्यूशन फ्री होते हैं और रिप्लेनिसेबल भी हैं और नॉन एग्जॉस्टेबल भी हैं हम क्यों ना उनकी और मुड़ें सच एज सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टीडल एनर्जी विच आर रीन्यूएबल है जो अगर हम सोलर एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं जो सन से हीट है और लाइट एनर्जी है कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे सोलर एनर्जी ट्रैप फ्राम द सन हर दिन जो सोलर एनर्जी होती है वो सन से हम ट्रैप्ड करते हैं और कैन बी यूज करते हैं हम इन सोलर सेल में हम देखते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम इससे मैनी ऑफ दिस सेल इसमें बहुत सारे जो सेल होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और सोलर पैनल क्या करता है टू जनरेट पावर जनरेट हो जाती है हीटिंग के लिए और लाइट्स के पर्पज़ के लिए टेक्नोलॉजी जो है यूटिलाइजिंग जो हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है बेनिफिट कई सारे ट्रॉपिकल कंट्री में बहुत सारा ये एडवांटेज एडवांटेज है लोगों के लिए दे आर ब्लेस्ड क्योंकि उनके पास वहाँ धूप होती है पर, पर मात्रा में सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर में यूज किया जाता है सोलर कुकर होता है खाना बनाने के काम आता है सोलर ड्रायर बिसाइड बिंग यूज बॉर् कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल लाइट के लिए भी और ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए जो रात को सड़कों पर लाइट्स जलती है वो सोलर एनर्जी की मदद से ही पॉसिबल है इनर इन विंड एनर्जी का अगर देखें इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द विंड एनर्जी तो हमें पता चलता है कि ये इनएगजॉस्टेबल है बार बार हम उसे यूज कर सकते हैं इनएगजॉस्टेबल सोर्स है एनर्जी का विंड मिल्स जो होती हैं हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज की जाती हैं ग्रेन मीन्स अनाज एंड लिफ्टिंग वाटर और पानी को उठाने में सिंस टाइम इमेमोरियल इन मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं विंड मिल्स जो है द हाई स्पीड विंड रोटे जो हाई स्पीड की है wind, वो रोटेट होती है विंड मिल में विच इज कनेक्ट टू जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जो विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच और विंड फार्म में ऐसा झुंडे रहता है उनके पास विंड मिल का जो लोकेटेड होते हैं कोस्टल रीजन में एंड इन माउंटेन्स में पास विद स्ट्रॉन्ग स्टडी विंड विंड फार्म्स जो होते हैं नीदरलैंड में जर्मनी में डेनमार्क में और यूके यूएसए और स्पेन में विंड प्रोडक्शन के बहुत सारे क्लस्टर बने हुए हैं वी सी ऐसे अगर हम देखें जो न्यूक्लियर पावर है अगर भारत में अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें जो न्यूक्लियर पावर है इज ऑप्टेन फ्रॉम एनर्जी वो एनर्जी से ऑप्टेन करते हैं एनर्जी जो स्टोर की जाती है इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स एटम्स के न्यूक्ली में नेचुरली जो ओकरिंग है रेडियो एक्टिव जो होते हैं एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम है जो वेल्यूबल मिनरल्स मानी जाती है दीज फ्यूल अंडर न्यूक्लियर फीजन न्यूक्लियर फीजन के अंडर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और इमिट पावर ग्रेटेस्ट प्रोड्यूजर ऑफ न्यूक्ली पावर आर यूएसए एंड यूरोप इन In इंडिया में हम देखते हैं राजस्थान एंड झारखंड है लार्ज डिपोजिट इंडिया में राजस्थान और जो झारखंड है उनके बाद लार्ज डिपोजिट रहते हैं यूरिनी थोरियम के इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं और जो अगर हम थोरियम की बात करें जो थोरियम है वो केरल की मोनोजाइट सेंट से प्राप्त किया जाता है मोनोजाइट सेंट में थोरियम के कण पाए जाते हैं न्यूक्ली पावर स्टेशन की अगर हम बात करें इंडिया में तो हम देखते हैं लोकेटेड इन कलपक्कम तमिलनाडु में कलपक्कम में एंड तारापुर महाराष्ट्र में और राणा प्रताप सागर कोटा में राजस्थान में पाए जाते हैं एंड नरोन उत्तर प्रदेश और, और कैगा कर्नाटक में तो इधर हमें न्यूक्ली एनर्जी का एक फोटोग्राफ दिख रहा है जिसमें हीट फ्यूजन से हीट जनरेट होती है और इस तरह से न्यूक्लियक्टे हॉट वाटर यहाँ से आके स्ट्रीम के, के द्वारा उस टर्बाइन को घुमाया जाता है जब स्ट्रीम आती है और इससे फिर जनरेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जलती है इसी तरह से अगर हम जियो थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें इंडिया में हीट एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम अर्थ जो हीट एनर्जी है जो हम अर्थ से ऑप्टेन करते हैं इज कॉल्ड जियो थर्मल उसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ जो टेम्परेचर होता है इंटीरियर अर्थ में राइज स्ट्रेटली धीरे धीरे बढ़ता है एज वी गो डीपर जैसे ही हम गहराई में जाते हैं समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इट्स सेल इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग और इस टाइम में क्या होता है समटाइम द हीट एनर्जी में सरफेस इट्स सतह में आ जाता है फिर खुद ही जो गर्म पानी है हॉट स्प्रिंग एक गर्म फुवारे के रूप में जमीन के अंदर जब गर्म पानी फुवारे के रूप में जमीन के ऊपर आ जाता है तो हीट एनर्जी क्या किया जाता है इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है जियो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो जियो एनर्जी होती है भूमि के अंदर की एनर्जी वो हमें किस रूप में मिलती है हॉट स्प्रिंग एक गर्म फुआरे के रूप में हैज़ बिन यूज जिसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं हीटिंग के लिए और बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है इसी तरह से हमें यहाँ दिख रहा है फोटोग्राम में जियो एनर्जी जो है इन मनीकरण मनीकरण हिमाचल प्रदेश में जगह है वहाँ पर यह जियो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है कुकिंग फूड के लिए जियो एनर्जी की मदद से क्या करते हैं हम खाना बना सकते हैं एनर्जी को अपटेन कर सकते हैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ में हम देख रहे हैं कि इसी तरह जमीन के अंदर का जो गर्म पानी है फुवारे के रूप में ऊपर आ रहा है क्रैक्स की क्रैक्स से उसमें वेल के द्वारा और वाटर को लेके टरबाइन की द्वारा जनरेट की जाती है इसी तरह से ई में हम देखते हैं यूएसए हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल यूएसए में क्या होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है जियो प्लांट है फॉलोड New न्यूजीलैंड आइसलैंड है फिलीपींस है एंड सेंट्रल अमेरिका है और इंडिया में जो जियो प्लांट लगाया गया है वो लोकेटेड इन मणिकरण, मणिकरण में जो हिमाचल प्रदेश में है एंड पुगा पुगा वैली लद्दाख में है वहाँ पर भी जियो एनर्जी का ऐसे प्लांट लगाया गया है टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करें टाइडल जैसे कि नाम से पता है जब समुद्र में टाइट्स आते हैं ज्वार ज्वारा आता है लो टाइट्स और हाई टाइड्स दो तरह के टाइर्स होते हैं जब हाई टाइड आता है तब क्या होता है और जब लो टाइड आता है तब क्या होता है एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी बोला जाता है टाइडल एनर्जी जो होती है कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स कैसे बनाई जाती है टाइडल एनर्जी को हम ये जो समुद्र में से एनर्जी होती है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं इसके लिए हमें डैम्स बनाना पड़ता है एट द ओपनिंग ऑन द सी सी के नैरो ओपनिंग में ड्यूरिंग हाई टाइड जब हाई टाइड आता है तो हाई टाइड जितना है वो हम क्या करते हैं एक डैम्स में यहां पर फोटो में दिखा रखा है जब हाई टाइड आया है तो हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं हाई टाइड इसके अंदर क्या कर रहे हैं स्टोर कर ले रहे हैं और इस हाई टाइड में क्या होती है एनर्जी होती है एट नैरो narrow... टर्बाइन क्या करते हैं जो हाई टाइड करते हैं हाई टाइड में एनर्जी होती है तो इस टर्बाइन को क्या करता है इंस्टॉल कर देता है घुमाने का काम करता है इन द डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी रशिया फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में इन द इंडिया हाई टाइडल मिल फार्म्स हैं वहां पर और जब लो टाइड होता है जब अगल बगल क्या है लो टाइड है लेकिन जो एनर्जी हमने यहाँ पर पहले पानी को हमने अंदर डाला था उसमें क्या था हाई टाइड था अब हम क्या कर रहे हैं उस हाई टाइड को हम यहाँ ओपन कर दे रहे हैं तो ये पानी क्या हो जाएगा बाहर को आएगा जिसमें कि हाई टाइड था और हाई टाइड से बाहर को आने की उसमें क्या हो जाएगा ये यहाँ पर ये यह, जो इंजन है टर्बाइन जो है वो रोटेट करेगा तो चाहे हाई टाइड हो हाई टाइड में तो हम एनर्जी अंदर की ओर जमा कर रहे हैं और क्योंकि हाँ बाहर हाई टाइड है और इधर लो टाइड है तो यहां से जब हम पानी स्टोर करके अंदर से भेज रहे हैं तो टर्बाइन बाइन हुआ और इस कंडीशन में यहां पर जो हाई टाइड हमने अंदर स्टोर किया था उसको हम बाहर की ओर द रहे हैं क्योंकि बाहर उस समय क्या है लो टाइड है इधर हाई हाईटाइड हमने बना रखा है डैम्स का एरिया माना जाएगा इसी तरह से अगर हम बायोगैस की बात करें जो बायोगैस है बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हम यूज करते हैं सच एट डेड प्लांट जैसे जो प्लांट के अवशेष रिमेनिंग प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं मटेरियल्स एनिमल डंग जो जानवरों का गोबर किचन के वेस्ट हैं जैसे सब्जियों का जो छिक्कल वगैरह होते हैं पील्स कैन बी कन्वर्टेड उन सब्जियों के छिक्कलों से हम क्या कर सकते हैं गैस फ्यूल जिसको ही हम बायोगैस कहते हैं वो जनरेट कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होता है एज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज किए जा सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस में दो तो डाइजेस्टर होते हैं एमेट बायोगैस विच इज इसशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन जो क्या है मीथेन का मिक्सचर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बायोगैस इज़ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग जो बायोगैस है वो क्या है एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है ईंधन माना जाता है खाना पकाने के लिए और लाइटिंग के लिए प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और क्या करता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस करता है एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी एनर्जी तो हर जगह पर है पर हम उसे देख नहीं सकते हैं देख नहीं पाते हैं मतलब हार्नेसिंग द एनर्जी इज वन ऑफ आर्स कैन मेक ए डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट है जो दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल कॉस्टली भी होती है ये एनर्जी इसको प्लान बनाना ईच वन ऑफ आर्स कैन मेक ए डिफरेंस हम एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट ना करें एनर्जी सेवड एनर्जी जनरेट कह रहा है एनर्जी को बचाना ही एनर्जी जनरेट करना है अब सपोज कीजिए आप किसी कमरे में वेर दियर द फैन जो है या इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट जो है रूम की वो खाली जल रही है तो विदाउट यूज है वो उसका कोई यूज नहीं है तो खाली वेस्ट जा रही है तो एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी को जनरेट करना है करें जैसे कहते हैं सेव फ्यूल का आ जाता है फ्यूल को बचाओ तो अगर हम वेस्ट ना करें तो वही हमारे लिए क्या है अगर हम सेव कर रहे हैं तो दैट इज गुड नाउ मेक ए ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर ये हमारे लिए क्या कर रहा है एक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर बना रहा है जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से एक बायोगैस प्लांट बनाया हुआ है जिसमें गैस टैंक्स है स्लरी है तो यहाँ से स्लरी इधर से डाला और इसमें जो सॉयल है मैन्योर है बाहर से क्या निकल रहा है फिर ये गैस टैंक्स में यहाँ पर डाल के लिक्विड टाइप का डाल के इसको घुमाया जाता है इस बर्तन में और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में मैन्योर निकलती है आउटलेट में दूसरा इसे एनर्जी हम बना सकते हैं खाना बना सकते हैं एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं तो हमने ये देखा कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और रिप्लेनिस होने में इट टेक्स मिलियंस टाइम या मैनी इर्स टू रिप्लेनिस एंड द मैन ह्यूमन बींग्स आर ओवर एक्सप्लोटिंग दिज रिसोर्सेज ऑल दो द स्टॉक ऑफ दिज रिसोर्स इज इन लिमिटेड जो स्टॉक है हम देखते हैं इसका जो स्टॉक इस हमें नेंजर आता है वो क्या है लिमिटेड है दूसरा ये पॉल्यूशन करता है तीसरा इसको रिप्लिनिस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है जैसे अगर हम देखें नॉन कन्वेंशनल जो है रीनएबल जो है वो पॉल्यूशंस नहीं करते हैं रिप्लेनिसेबल है नॉन एग्जॉस्टल है तो काफ़ी फायदे करते हैं हमें सोलर एनर्जी सोलर प्लांट हमें लगाएं गांव में इंटीरियर इलाक़ों में जहाँ सन एनर्जी या हीट जहाँ मिलती है उसको अगर हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल माना जाएगा और क्वेश्चन आंसर को एम सी क्यूज अगर हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स इसमें कौन सा मैं कैरेक्टरिस्टिक जो है मिनरल्स का वो नहीं नज़र आता दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल वो नेचुरल प्रोसेस से होते हैं भाई हमने पढ़ा था कि उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए जो भी इग्नियस रॉक है आइदर सेडिमेंट्री रॉक्स है या मेटामार्फिक रॉक्स है ये तीनों ही चट्टानों की क्रैक्स से या इसके डी बोरवेल्स में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं इनके द्वारा जैसे हम क्या करते हैं ड्रिलिंग करते हैं मैंने बताया था एक होता है माइनिंग एक होता है ड्रिलिंग एक होता है क्वेरिंग क्वेरिंग में क्या होता है हम अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा खोद के हम उसे क्या कर सकते हैं मिनरल्स ऑप्टेन कर लेते हैं तो क्वेरिंग ड्रिलिंग और माइनिंग इनके द्वारा हम मिनरल्स को ऑप्टेन करते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इनकी ह्यूमन के ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इसमें और इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है फिजिकल कंपोजिशन भी होता है जिसमें कलर देखा जाता है उनकी हार्डनेस देखी जाती है दे आर इनएग्जॉस्टेबल बिल्कुल गलत वो तो इनएजोस्टेबल नहीं है तो एग्जॉस्टेबल हैं जो मिनरल्स हैं एक बार यूज करने के बाद एग्जॉस्ट होते हैं इनएगजॉस्टेबल है स्टॉक है, है इनका हमारे में दे आर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है डिस्ट्रीब्यूशन अनिबन तो है ही तो इसका राइट right जो ऑप्शन होगा दे आर इनएग्जॉस्टेबल होगा इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका जो माइका है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल मानी जाती है तो इनमें से एक स्टेट ऐसा है जहां पर प्रोड्यूस नहीं करता है वो स्टेट माइका का झारखंड में तो बहुत झारखंड तो नंबर वन है माइका में राजस्थान और आंध्र प्रदेश है कर्नाटक नहीं है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कॉपर के मामले में इन द वे पूरे संसार में जो कॉपर पाया जाता है वो कौन सा स्टेट है चार ऑप्शन है बोलीविया में तो नहीं है चाइल्ड में मैं चाइल्ड में आपको बताना चाहूंगा चूकी माता जो माइंस है वो कॉपर की वर्ल्ड में सबसे बड़ी सबसे ज्यादा डिपोजिट जहां पाए जाते हैं वो है चाइल्ड तो राइट ऑप्शन राइट आंसर इज चाइल्ड चाइल्ड में कॉपर के सबसे ज्यादा माइंस डिपोजिट है और माइंस का नाम क्या है चूकी माता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन जो एलपीजी को कंजर्व करने का कौन सा एक है जो साधन नहीं माना जा सकता सोकिंग दाल फॉर समाइम बिफोर कुकिंग सोकिंग हम दाल को भिगा के रख रहे हैं खाना पकाने से पहले इसे दाल जल्दी बनेगी वो तो हमें कंजर्व कर सकते हैं तो बेस्ट मैथड है एलपीजी को बचाने का कुकिंग फूड इज प्रेस इंजन कुकर अगर हम एक तो दाल भिगा के रख रहे हैं बनाने से पहले बिफोर प्रिपेयरिंग द पल्स और दाल हम क्या कर रहे हैं उसको तो सोकिंग कर रहे हैं दूसरा हम उसे प्रेशर कुकर में बना प्रेशर कुकर में तो वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जल्दी खाना बन जाता है वो भी एक साधन है हम एल बचा रहे हैं कीपिंग द वेजिटेबल चॉप बिफोर द लाइटिंग कीपिंग द वेजिटेबल चौब्ड हम क्या कर रहे हैं गैस जलाने से पहले सब्जी को काट के तैयार रख रहे हैं ये नहीं कि गैस जलाया उसके बाद हम सब्जी काट रहे हैं यह भी एक अच्छा ऑप्शन है कुकिंग फूड इज एन ओपन पैन कैप्ड ऑन लो फ्लेम जो कुकिंग फूड है जब हम खाना पका रहे हैं तो डेफिनेटली हम अगर हमने आँच कम भी की है तो हमें क्या है ओपन पैन नहीं रखना है पैन में बना रहे हैं हम तवे में बना रहे हैं तो हमें उसको ओपन नहीं रखना तो है हमें पता है कि हम खाना जल्दी कैसे बना सकते हैं खाना जल्दी पकाने के लिए हमें ढक के रखना है खाने को अगर हम ढक के रखेंगे वो जल्दी बनेगा अगर हम ओपनली रख रहे हैं वो देर में बनेगा इतना सिंपल लॉजिक की दाल हमें भिगा के बनानी है भिगा के जल्दी बनेगी प्रेशर कुकर में बनानी है और क्या कहते हैं सब्जियों को काट के थाली में रखना है फिर उसके बाद हमें लाइटनिंग करना है तो ये कुछ तरीके थे जिसके कारण से हम एक uh, क्या कहते हैं जो नेचुरल गैस है एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं उसको हम बचा सकते हैं एनर्जी को सेव करना ही एनर्जी को क्रिएट करना ये चीजें हमने आज सीखी जैसे रिड्यूस करना है हमें प्लास्टिक के जो बोटल्स हैं या प्लास्टिक की जितनी चीजें हैं या थर्मोकॉल की जितनी चीजें हैं हम उनको यूटिलाइज ना करें जैसे मार्केट में थर्मोकॉल की प्लेटें आती हैं या ग्लास आते हैं यूजन थ्रो वाले उसको यूज ना करें वो केमिकल्स होते हैं उनमें जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक क्रिएट करते हैं तो हम प्लास्टिक्स को ज्यादा से ज्यादा एवॉइड करें इसके बदले हम जूट बैग इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखता है और पॉल्यूशन फ्री रखता है तो हम कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शॉपिंग बैग बनाएं तो जो जूट के बने हो और प्लास्टिक्स को हम एवॉइड करें जिससे कि जो टॉक्सिक जमा हो जाता है जो लैंड में पॉल्यूशन हो जाता है या वाटर में टॉक्सिक कर देता है जिससे पानी में रहने वाले बहुत सारे एक्टिक जो लाइफ है उन पर असर पड़ता है उस पर ना पड़े इस तरीके से हमने देखा हमें पता है कि जो पेट्रोलियम है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है काला सोना इससे हम बहुत सारे और चीजें जैसे हम कैरोसिन है कैरोसिन हम ऑप्टेन कर सकते हैं मिट्टी का तेल वैक्स मोम हम अपटेन करते हैं मोम भी निकाला जाता है इससे तो हमने ये जाना इसमें कि हम जानते हैं कि फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन होता है जैसे कोबाल्ट है मैं बता दूं आपको निकिल है दो आयरन है नंबर तीन मैगनीज है तो इनमें क्या होता है आयरन के कंटेंट रहते हैं ऐसे नॉन फेरस की हम बात करें दैट डो नॉट कंटेन आयरन जिसमें आयरन नहीं होता है उसको नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है तो हम देखते हैं जो नॉन फेरस में जैसे माइका है आपका गोल्ड है सिल्वर है नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं रहता है और फेरस है कोबाल्ट है निकेल है आयरन है मैग्नीज है ये फेरस मिनरल्स बोलते हैं जिनमें आयरन रहता है फेरस और नॉन फेरस आई टोल्ड यू और इसी तरह से कन्वेंशनल अगर हम और नॉन कन्वेंशनल की बात करें कन्वेंशनल उसको क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल में आप लिखेंगे दे आर एग्जॉस्टेबल आफ्टर यूजिंग इट वी कैन नॉट यूज इट अगेन एक बार यूज करने के बाद वो क्या होते हैं एग्जॉस्ट नष्ट हो जाते हैं और हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते वी कैन ऑप्टेन इट वंस अगेन आफ्टर आफ्टर यूजिंग इट इट कैन एग्जॉस्ट लिखोगे दे आर एग्जॉस्टेबल लिखोगे नंबर टू नंबर थ्री लिखोगे दे आर नॉन रिप्लेनिसेबल इट टेक लॉन्ग टाइम इट टेक लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिस इट टेक मिलियंस ईयर मिलियंस ईयर लग जाते हैं इसको रिप्लेनिस होने में और कन्वेंशनल में आप लिखोगे नॉन कन्वेंशनल में इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज नॉन एग्जॉस्टेबल दिस रिसोर्स इज रिप्लेनिसेबल और दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन इस कन्वेंशनल में लिखोगे दे क्रिएट पॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट आप बहुत अच्छा बना सकते हैं कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल में अंतर पूछा है पहले आप लिखोगे फर्स्ट वाला कन्वेस्टनल मीन्स दीज रिसोर्सिस आर नॉन रीनएबल और नॉन कन्वेसनल में आप लिखोगे दीज रिसोर्सिस आर रीनबल सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरे में लिखेंगे आप दे आर एग्जॉस्टेबल नॉन कन्वेंशनल लिखोगे दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल कन्वेंशनल में लिखोगे आप दे आर नॉन रिप्लेनिसेबल और इट टेक लॉन्ग टाइम या इट टेक मिलियंस इंस टू रिप्लेनिस रिप्लेनिस होते नहीं है लेकिन अगर ये इनके जो रिप्लेनिस होने की जो प्रोसीजर है मिलियंस ईयर लगती है इन कंपैरिजन टू उन ह्यूमन बींग्स जो इनका हम, हम इनको रोज ही कंज्यूम कर रहे हैं डेली वी आर कंज्यूमिंग तो जो रेट है कंज्यूमिंग की द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इज मच हायर देन द रिप्लेनिसेबल रेट ऑफ दीज मिनरल्स तो बहुत जल्द क्या हो सकता है रिप्लेनिस हो सकते हैं ये रिप्लेनिस होने में इनको बहुत मिलियंस टाइम लगेगा और तब तक हो सकता है जो स्टॉक है इन मिनरल्स का हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेस का वो कहीं एग्जॉस्ट ना हो जाए बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगा पॉल्यूशन करता है दे क्रिएट पॉल्यूशन कहेंगे आप और इसमें डो नॉट क्रिएट पॉल्यूशन और दे कैन नॉट बी फाउंड एनी हर जगह नहीं पाए जाते हैं ये और ये वाले जो है कन्वेस्टनल जो है नॉन रिन नॉन कन्वेस्टनल जो है रिन्यूएबल जिसे बोलते हैं वो दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर लास्ट में आप एग्जांपल लिखोगे दोनों में कन्वेंशनल में क्या बोलते हैं जो कन्वेंशनल होते हैं पेट्रोल कोल फॉसिल फ्यूल में भी आते हैं ये पेट्रोल और कोल फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं ये भी कह सकते हो और नॉन कन्वेंशनल में आते हैं सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये नॉन कन्वेंशनल में आते हैं ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं दे कैन बी स्टेब्लिश एनी वेयर दे आर नॉन एग्जस्टेबल दे आर नॉन रिप्ले दे आर रिप्लेनिसबल ये रिप्लेनिस होते हैं लिखोगे ये नॉन रिप्लेनिस होते हैं रिप्लेन रिप्लेनिश होने में इनको कई साल लग जाते हैं तो इसलिए इसको नॉन रिप्लेनिश भी बोलते हैं इसको रिप्लेनिश हो सकते हैं एकदम से दो या चार दिन में या विद इन अ डे ये रिप्लेनिश हो जाते हैं दोबारा से तो इस तरह से हमें इनके डिफरेंसेस हमने पढ़े ऐसे बायोगैस और नेचुरल गैस में हम जानते हैं कि जो बायोगैस होती है वो पुराने जो सड़े गले चीज़ें होते हैं सब्जियों के जो पील्स हैं छिलके वगैरह हैं या जो प्लांट्स हैं डिकेंग प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं यह बायोगैस को हम मैन्युफैक्चर करते हैं इसमें मेथेन गैस बेसिकली निकलती है ऐसा बोला जाता है जो कि हम क्या करते हैं बायोगैस जो हैं फ्यू कुकिंग और लाइटिंग के काम आती है कुकिंग करते हैं और हम लाइटनिंग करते हैं ऐसा बोलेंगे आप इसमें और ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस और हम देखते हैं जो एनर्जी इज एवरीवेयर कह रहा है ये द ऑर्गेनिक वेस्ट इज दिकम्पोज जो ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें हम डालते हैं किसमें बायोगैस में वो क्या होती है बैक्टीरिया के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे छोटे वो क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस को बनाने में मदद करते हैं अक्सर हम देखते हैं जो जानवरों का डंक है गोबर है गाय का गोबर या किसी भी जानवर का गोबर जो किचन में हमारे पिल्स हैं सब्जियों के जो चिक्कल वगैरह हैं उनसे डिकेइंग प्लांट जो है डेड प्लांट हैं सड़े गड़े पौधे जब सड़ जाते हैं तो वो भी एक खाद का काम करते हैं जानवर का या ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटा है वो भी क्या करते हैं हम इसमें कन्वर्ट करते हैं गैस फ्यूल बनाने में जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा बायोगैस बोला जाता है इसलिए बहुत जगह पर हम क्या करते हैं गांव में हमने यहाँ तो हमने देखा नहीं है गांव में हम क्या करते हैं ऐसे बहुत सारे बायोगैस प्लांट देखते हैं जो एक एक्सीलेंट माना जाता है खाना पकाने के लिए भी और लाइटनिंग के लिए उजाला भी करते हैं हम इससे लाइट हमें मिलती है इससे और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है बायोगैस प्लांट और बेसिकली जितने ये रिन्यूएबल सोर्स है यानी कि नॉन कन्वेंशनल जो है नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल कहते हैं जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं रिप्लेनिस कर सकते हैं और ये नॉन एग्जॉस्ट नष्ट तो होते नहीं है सोलर एनर्जी है इतना एबंडेंस जो है इसका भरपूर मात्रा में हम सोलर एनर्जी की हीट को और उसकी एनर्जी को हम डेली ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं पर डे कंज्यूम कर रहे हैं और दोबारा से वो क्या होती है उसमें एनर्जी टाइम जनरेट होती रहती है नष्ट तो होनी है नहीं इतने सालों से इतने मिलियन ईयर अरब ल, साल कहते हैं हम लग गए हैं लेकिन सोलर जो एनर्जी है वो क्या है रिप्लेनिसेबल है पॉल्यूशन फ्री है और नॉन एग्जॉस्टेबल है और कैन बी फाउंड सबसे बड़ी बात है कि वो हर जगह पर अवेलेबल है तो जो चीज हर जगह हर जगह अवेलेबल है जैसे विंड एनर्जी है हमने देखा नागर कोयल में ठीक है नहीं ऐसे ही हमने पैडल एनर्जी का देखा गुजरात में कच्चे रन में अवेलेबल है और ऐसे ही अगर हम बात करें जियो का तो हमें आपको याद होगा जो मैंने बताया था कौन सा बताया था मैंने जियो में जो हिमाचल में मणिकरण है याद रखिएगा मणिकरण बहुत प्रसिद्ध जगह है हिमाचल में वहां पर जियोथर्मल एनर्जी के इस तरह से प्लांट बनाए गए हैं इसके साथ साथ पुगा वैली जो लद्दाख में एक पुगा वैली है बहुत फेमस आजकल लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है तो वहां भी हम क्या करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की वहां पॉसिबिलिटीज को देखते हैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था हम रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑरिजन के बेस पर एबायोटिक कह रहे हैं एबायोटिक में हमारे जो क्या कहते हैं मिनरल्स आते हैं वाटर आता है विंड आता है विंड वाटर और एयर आती है मिनरल्स आते हैं ये एबायोटिक में आते हैं अजैविक और बा, बायोटिक में आते हैं फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा किसको बोलते हैं फूल जो पत्तियां होती हैं और फोना जानवरों को बोला जाता है ये आते हैं आपके बायोटिक रिसोर्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं इसमें बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक ऐसे ओनरशिप के आधार पर हम देखते हैं किसी का इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं किसी के घर में अगर ट्यूबवेल well है तो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स माना जाएगा और ऐसे ही कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं जो इस कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं जैसे फॉरेस्ट वगैरह है तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन चैप्टर से आई एब यू अंडरस्टूड थैंक यू फॉर लिसनिंग में